दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वही बाड़मेर का जिला अस्पताल है जो पूर्व विधायक के कार्यकाल में हर दिन वाहवाही लूटता था, लेकिन हकीकत में देखा जाए और हकीकत धरातल पर अगर इसी अस्पताल में देखा जाए तो इस अस्पताल जो है बाड़मेर का जिला अस्पताल चोरों का हब बन चुका है। यहाँ किसी तरह की कोई भी आने वाले मरीजों के लिए, पेशेंटों के लिए किसी भी तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं है। फ्री की मिलने वाली इस पर्ची से आप देख सकते हैं लाइन में उभा हर व्यक्ति लगभग आपको इसी पर्ची से हवा खाता हुआ नजर आ रहा होगा। गर्मी से बचने के लिए हवा खा रहे हैं लोग, लेकिन इस अस्पताल में कहीं पर भी पंखा या कूलर लगा हुआ नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के रूम में एसियां लगी हुई है। ये बाड़मेर जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं जो कुछ महीने पहले पूर्व विधायक के कार्यकाल में हर दिन वाहवाही लूटता था। आज करोड़ों की ये मशीनें आ गई, आज करोड़ों की ये मशीनें आ गई, लेकिन आज के टाइम में ये बाड़मेर का जिला अस्पताल चोरों का सबसे बड़ा हब बन चुका है। हमने आपको रात को एक खबर दिखाई थी जिस खबर में यहाँ पर आए पेशेंटों का कहना है कि हमारे पास 500 रुपये नहीं है, लेकिन हमें हमारी माँ को अगर बचाना है तो 1500 रुपये का पंखा जो है वो हमें लाना पड़ेगा, और हम लेकर भी आए वो चोरी हो गया। और ये अस्पताल के हालात देखिए, ये अस्पताल की पीवीसी है जो आजकल नहीं टूटी है, करीब 15 दिन से ये पीवीसी ऐसे ही टूटी हुई है। जो बाकी बची हुई है वो भी हिलडुल रही है, कई बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो चुपचाप बैठे हैं, हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हम डॉक्टर बीएल मंसूरिया से जानना चाहा तो वो भी कई सवालों से बचते हुए नजर आए, और डॉक्टर बीएल मंसूरिया का क्या कहना है जरा आप सुनिए। राजस्थान राज्य से मैं आपका साथी उमेश बेरान। सर, बाड़मेर जिला अस्पताल में आए दिन चोरियां जो है वो बढ़ रही है, चोरियां थमने का नाम तक नहीं ले रही है। रात को ही डिलीवरी वार्ड के बाहर जो पंखा लगाया था, पेशेंट अपने बाहर घर से पंखा लेके आए थे, वो भी चोरी हो गया। इस चोरी को रोकने के लिए हमारे हॉस्पिटल में लगभग सभी जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और गार्ड हमारा एमसीएस विंग में तो कम से कम रात में रहता है। इसके बावजूद भी चोरी होती है तो वो हमारे कैमरे को देख के और पुलिस को इन्फॉर्म करे ताकि वो ढूंढे। मरीजों के साथ में जो पेशेंट आ रहे हैं उनका कहना है कि कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो कभी महिलाओं के साथ पैसे चोरी हो जाते हैं। पैसे तो चोरी होने की घटना कल की है, वो जो पंखा चोरी हुआ ये भी घटना कल। नहीं, ये चोरियों वाली वारदात तो सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हर जगह बढ़ी हुई है, लेकिन हम हमारे स्तर से जो है सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड है, इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं, और गार्ड लगाया हुआ वहाँ पे, और सीसीटीवी कैमरे लगभग हमने हर एक अप्रोच तक तो लगाने की कोशिश की है और लगे हुए हैं। इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी, अस्पताल का इतना बड़ा सिस्टम है, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी इतनी चोरियाँ आके कैसे रोकी जाएगी? नहीं, कैमरे को चोरियाँ रोकती नहीं है, कैमरे से चोरियों को पकड़ा जा सकता है, वो हम पुलिस का काम है, और हम पुलिस को कैमरा दिखाने के लिए तैयार बैठे, पुलिस देखे कैमरा और अगर उसमें मिलता है तो पकड़े उनको। अस्पताल प्रशासन की ओर से कभी किसी चोर को पकड़ा गया है? क्योंकि चोरियाँ तो आए दिन हो रही है। एक बार तो चोर को रंगे हाथों ही पकड़ा था और उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया था, और वो हमारे गार्ड ने ही पकड़ा था, और इस तरह फिर भी हमारे गार्ड एक्टिव रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि हमारे गेट पे जो है हर टाइम गार्ड रहे, और कैमरे तो हमारे लगे हुए हैं और वो सब फंक्शनल है।